क्या चिराग पासवान भाजपा पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं? आज नीतीश कुमार के आवास पर इफ्तार की पार्टी रखी गई है। चिराग पासवान को आमंत्रण दिया गया था, हालांकि उन्होंने कहा कि मुझे हाजीपुर एक जरूरी कार्यक्रम में जाना है, लेकिन उनकी पार्टी से कुछ गण्यमान लोग जाएंगे। तो आखिर चिराग पासवान के कुछ लोग वहां जा रहे हैं जबकि बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं को आमंत्रण नहीं दिया गया, और जिनमें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी हैं वो नहीं जा रहे हैं। ऐसे में चिराग पासवान का वहां जाना क्या कुछ दर्शाता है? और राजनीति में कुछ भी यूं ही नहीं होता, राजनीति में संकेतों के जरिए समझी जाती है और चीज़ों का फैसला होता है। तो चिराग पासवान इस वक्त लगातार भाजपा पर दबाव बनाने की कोशिश में है। सम्राट चौधरी के साथ क्या हुआ वहां पर जब वो मुकामा पहुंचे थे, उस वक्त वहां पर चिराग पासवान के समर्थकों ने सम्राट चौधरी का विरोध कर दिया। कहा जाता है कि यहां तक एक मिट्टी का ढेला भी फेंक दिया गया था सम्राट चौधरी के ऊपर। जैसे ही सम्राट चौधरी के नाम का अनाउंसमेंट होता है, वहां पर चिराग के समर्थक जो अधिकतर पासवान जाति से थे, उन्होंने होटिंग करना शुरू किया, विरोध करना शुरू किया। हालांकि फिर सम्राट चौधरी आगे आए, दो लाइन ही कही, उसके बाद उनको वहां से जो है भागना पड़ा। कहने का मतलब है कि सम्राट चौधरी वहां से अपने दल बल के साथ निकल गए। यानी साफ तौर पर चिराग पासवान के समर्थकों में भाजपा को लेकर नाराजगी है, क्योंकि भाजपा के रिश्ते पशुपति कुमार पारस से काफी बढ़िया है। पशुपति कुमार पारस लगातार मोदी सरकार में अपनी आस्था व्यक्त करते रहते हैं। तो चिराग पासवान के जो पार्टी के नेता हैं, उनका नीतीश कुमार के इफ्तार पार्टी में जाने का क्या मतलब हो सकता है? और आज चिराग पासवान ने एक बड़ी बात कही। चिराग पासवान ने कहा कि हम 2024 में किसके साथ जाएंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। उन्होंने कहा कि मुकेश सहनी, जिन्होंने बाकायदा 2020 के विधानसभा चुनाव में अंतिम दम तक वहाँ गठबंधन में थे, लेकिन जैसे ही उन्हें मन मुताबिक सीटें नहीं मिली तो वो फिर NDA में चले गए। यानी चिराग पासवान ने साफ कर दिया कि अगर हमें भाजपा सम्मानजनक सीटें नहीं देती हैं, अगर हमारी बात नहीं मानती है, तो हमारे पास जो विकल्प हैं वो खुले हुए हैं। तो क्या नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी में उनके पार्टी के बड़े नेताओं का जाना इस बात का संकेत है कि अगर भाजपा उनकी शर्तों पर नहीं झुकती है, अगर चिराग पासवान की बात को नहीं मानती है, तो फिर चिराग पासवान का महागठबंधन में जाना कोई बड़ी बात नहीं होगी। हालांकि चिराग पासवान नीतीश कुमार पर लगातार हमला करते रहते हैं, लेकिन ये हर कोई जानता है कि राजनीति में न कोई स्थायी दोस्त होता है न ही दुश्मन होता है, सब कुछ अपने राजनीतिक फायदे और नुकसान के लिए होता है। तो क्या चिराग पासवान बीजेपी को कहीं ना कहीं डरा रहे हैं कि हमारे पास मजबूरी नहीं है, अगर आप हमें सम्मानजनक सीट नहीं दीजिएगा तो हम महागठबंधन के साथ भी जा सकते हैं, और हमारे पास 5% का वोट बैंक है, और ये वोट बैंक किसी को भी चुनाव जिताने और हराने में अपनी एक अहम भूमिका अदा कर सकता है। और चिराग पासवान ने खुलकर अब तक न तो महागठबंधन का समर्थन किया है और न ही NDA का समर्थन किया। दूसरी बात, चिराग पासवान तेजस्वी यादव लालू यादव को लेकर कभी भी हमलावर नहीं दिखते हैं, और इसका आरोप चिराग पासवान पर लगता है कि वो नीतीश कुमार को पंजीक बैंक बनाकर पीटते तो रहते हैं, उनकी आलोचना करते रहते हैं, लेकिन तेजस्वी लालू को लेकर बिल्कुल चुप्पी साथ लेते हैं। तो आखिर चिराग पासवान चाहते क्या हैं, उनका स्टैंड क्या है? और आज चिराग पासवान ने स्पष्ट कर दिया कि हम 40 लोकसभा सीट पर चुनाव की तैयारी करेंगे, और अगर हमारी बातचीत जिस पार्टी से होती है और हमें अगर ठीक ठाक सीटें मिल जाती है, हम उनके साथ जाएंगे, अगर बात नहीं बनती है तो हम जो विपरीत खेमा है उसमें चले जाएंगे। और चिराग पासवान ने साफ तौर पर मैसेज देने की कोशिश की है अपनी पार्टी के बड़े नेताओं, जैसे प्रदेश अध्यक्ष हैं, वैसे लोगों को नीतीश कुमार की उत्तर पार्टी में भेज कर कि हमारे लिए जो है दोनों विकल्प खुले हैं, और हम जिधर जाएंगे बिहार में सरकार उसी की बनेगी। आप क्या कुछ सोचते हैं चिराग पासवान के इस फैसले को लेकर? क्या चिराग पासवान ने सही किया? चिराग पासवान के दिमाग में क्या कुछ चल रहा है? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फेसबुक पर देखें, हमारे पेज को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ ये एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाए। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी, तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।